हाय स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैज साकिर। वेलकम टू फर्स्ट लेसन ऑफ योर हिस्ट्री, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 4 को स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रिवोल्यूशन। इस लाइन में कह रहा है कि 1848 के बाद, 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म का डेमोक्रेसी और रिवोल्यूशन से अलगाव हो गया। यानी कहने का मतलब, 1848 के बाद यूरोप में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जो राष्ट्रवाद का कॉन्सेप्ट आया, उसमें डेमोक्रेसी के लिए कोई भी जगह नहीं थी, रिवॉल्यूशन के लिए कोई भी जगह नहीं थी। नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाई कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। इस लाइन में यह बता रहा है कि सत्ता हासिल करने के लिए, पावर में आने के लिए कंजर्वेटिव्स ने नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स का इस्तेमाल किया, राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, ताकि वे सत्ता में चले आएं। दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द प्रोसेस बाई विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशन स्टेट। इस लाइन में ये बता रहा है कि जर्मनी और इटली को नेशन स्टेट बनाने के लिए कंजर्वेटिव्स ने इसी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स का इस्तेमाल किया। इसी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स के सहारे से कंजर्वेटिव्स ने जर्मनी और इटली को यूनाइट किया, उनको एक किया। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इन टू अ नेशन स्टेट गवर्न्ड बाई एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। देखिए बच्चों, यहाँ पर बता रहा है, जैसा कि आपने देखा है, आपने पढ़ा है, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स, जो राष्ट्रवाद की जो भावना जो है, वह सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जर्मन्स में थी। मतलब जो जर्मन स्पीकिंग रीजन जो था उसमें देखेंगे मिडिल क्लास के अंदर सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स था। उन्होंने 1848 में जर्मनी को एक करने की कोशिश की थी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि नेपोलियन ने जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एक कन्फेडरेशन बनाया था, एक महासंघ बनाया था, और ये जो लोग जो थे, जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे, उनकी ये कोशिश थी कि ये जो जर्मन कन्फेडरेशन में जितने भी छोटे छोटे रीजन्स हैं, सबको एक करके जो है एक देश बनाया जाए, एक राष्ट्र बनाया जाए, मतलब जर्मनी का यूनिफिकेशन किया जाए। और वे चाहते थे कि ये जो देश हो उसको पार्लियामेंट के जरिए से चलाया जाए। उसी चीज़ को यहाँ पर बता रहा है कि एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। कहता है कि जैसा कि आपने पढ़ा, मतलब जैसा कि आपने देखा कि नेशनलिस्ट फीलिंग जो है वह सबसे ज़्यादा, राष्ट्रवाद की भावना जो है वह सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास जर्मन्स में थी, जिन्होंने 1848 में ये कोशिश की कि नेपोलियन ने जो जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था, जो छोटे छोटे जो है रीजन्स को एक कर कर उसने एक जर्मन कन्फेडरेशन बनाया था, एक महासंघ बनाया था, उसको जो है एक नेशन स्टेट में चेंज कर दिया जाए, और वह नेशन स्टेट जो है वह पार्लियामेंट के जरिए से चलाया जाए। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री, सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ऑनर्स कॉल्ड जुनकर्स ऑफ पर्सिया। यहाँ पर बता रहा है कि नेशन स्टेट बनाने की यह जो कोशिश थी लिबरल्स की, उसको जो है राजाओं ने और फौज ने मिलकर दबा दिया, उसको कुचल दिया,
और ये किसके मदद से किया, तो कहता है क्या कि जो बड़े जमींदार जो थे जिनको जुनकर्स कहा जाता है, उन्होंने सपोर्ट किया था, और उनके सपोर्ट की मदद से राजाओं ने और फौज ने, मोनार्की ने और मिलिट्री ने जो है, लिबरल्स जो कोशिश कर रहे थे कि जर्मनी को एक किया जाए, उस कोशिश को उन्होंने कुचल दिया, दबा दिया। फ्रॉम देन ऑन पर्सिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। कहता है क्या, जब लिबरल्स की कोशिश जब कामयाब नहीं हो पाई जर्मनी को एक करने की, जो है जर्मनी को नेशन स्टेट बनाने की, तब उसके बाद जो है जर्मनी को एक करने की जिम्मेदारी पर्सिया ने उठाई। ठीक है, आप देखेंगे कि पर्सिया में जो है वह जर्मनी का, आज का जो जर्मनी जो है उसमें उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वह पर्सिया के अंदर आया करता था। नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि बहुत नया कॉन्सेप्ट है, पहले किंगडम्स का कॉन्सेप्ट होता था, डायनेस्टी का कॉन्सेप्ट होता था। तो आप देखेंगे कि आज का जर्मनी जो है उसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वह पर्सियन एम्पायर के अंदर आता था। तो जब लिबरल्स की कोशिश जब नाकामयाब हुई, तो उसके बाद आप देखेंगे कि पर्सिया के जो राजा जो थे उन्होंने जो है जिम्मेदारी उठाई कि वह जर्मनी को जो है वह एक करेंगे। इट्स चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ द पर्सियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पर कह रहा है कि जर्मनी को एक करने के लिए पर्सिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने पर्सिया की आर्मी और ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की मदद ली। यानी कहने का मतलब ये है कि जो पर्सिया के चीफ मिनिस्टर थे ऑटो वॉन बिस्मार्क, उन्होंने पर्सियन आर्मी और पर्सियन ब्यूरोक्रेसी की मदद से जो है जर्मनी को एक किया। थ्री वार्स ओवर 7 ईयर्स विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस इंडेड इन पर्सियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इस लाइन में कह रहा है कि ऑटो वॉन बिस्मार्क ने 7 साल के दौरान 3 जंगें लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से, और इन जंगों में जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क की जीत हुई, पर्सिया की जीत हुई, और इस तरह से आप देखेंगे कि जर्मनी जो है वह एक नेशन स्टेट में चेंज हो गया, वह एक नेशन स्टेट बन गया, मतलब जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया। आपके एग्जाम में आता है कि बताइए कि जर्मनी जो है वह एक कैसे हुआ, उसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर इसको सही से समझ लीजिए कि जब लिबरल्स की कोशिश जब कामयाब नहीं हुई, तो उसके बाद जर्मनी को एक करने की जिम्मेदारी जो है पर्सिया के राजा ने उठाई। उन्होंने ये जिम्मेदारी अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क को सौंपी। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने पर्सियन आर्मी और पर्सियन ब्यूरोक्रेसी की मदद से पर्सिया को जो है वह एक किया। उन्होंने 7 साल के दौरान 3 जंगें लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और उन जंगों में जो है पर्सिया की जीत हुई, और इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ, जर्मनी का एकाकीकरण हुआ। यूनिफिकेशन का मतलब होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं एकाकीकरण, मतलब एक एक हो जाना। इन जनवरी 1871 द पर्सियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन इम्पेरर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट वर्साय। यहाँ पर कह रहा है कि जनवरी 1871 में पर्सिया के किंग विलियम फर्स्ट को वर्साय के एक सेरेमनी में, एक समारोह में, यूनाइटेड जर्मनी का, मतलब जो जर्मनी अब एक हो चुका था, उसका बादशाह, उसका शहंशाह घोषित किया गया। तो आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि 1848 के बाद आप देखेंगे कि यूरोप में जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो था उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया। नेशनलिज्म उस वक्त में 1848 के बाद जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट आया उसमें डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन के लिए अब कोई भी जगह नहीं बचा था। फिर मैंने आपको बताया कि जो कंजर्वेटिव्स थे
उन्होंने लोगों के नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स का इस्तेमाल किया ताकि वह यूरोप में सत्ता में आ सकें। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो है वह आप देखेंगे कि जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में मिडिल क्लास के अंदर था। उन्होंने 1848 में जर्मनी को एक करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके कोशिश को जुनकर्स की मदद से मिलिट्री और आप देखेंगे कि मोनार्की ने उनके कोशिश को नाकाम कर दिया था। जब उनकी यह कोशिश नाकाम हुई तो अब जो है कंजर्वेटिव्स ने कोशिश की कि जर्मनी को एक कर दिया जाए। वह ऐसा इसलिए चाहते थे कि अगर ज़्यादा एरिया होगा तो फिर जो है उनको ज़्यादा मुनाफा होगा, वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे। तो अब देखेंगे कि पर्सिया ने जर्मनी को एक करने की जिम्मेदारी उठाई। पर्सिया के जो राजा थे उनका नाम था विलियम फर्स्ट। उन्होंने ये जिम्मेदारी जो है अपने चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क को सौंपी। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने पर्सियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की मदद से आप देखेंगे कि 7 साल के दौरान जो है वह 3 जंगें लड़ी ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। और इन जंगों में जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क की जीत हुई और इस तरह से जो है वह जर्मनी जो है एक हो गया। और जनवरी 1871 में पर्सिया के राजा विलियम फर्स्ट को जर्मनी का शहंशाह घोषित किया गया, जर्मनी का बादशाह घोषित किया गया। तो उम्मीद है कि आज मैंने जो आपको पढ़ाया है वह समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग इसी सेक्शन को कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन 4 को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। डैट्स ऑल, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।